हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, मैं सविता सक्सेना आपकी हिंदी लिटरेचर की टीचर हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट तीन हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पार्ट तीन। हर राष्ट्र के, हर देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं जो राष्ट्र की पहचान करते हैं। इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। हमें इन प्रतीकों के बारे में जानना चाहिए तथा इनका सम्मान करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ तीन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। बच्चों, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। हमारा भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इससे पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था बच्चों, और हम भारतवासियों को अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ती थी। किंतु 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र, हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया और हम सब अब भारत के नागरिक स्वतंत्र हैं। और हमारे राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जिनका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की पहचान होती है। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। तो इन राष्ट्रीय प्रतीकों में सबसे पहला मैं आपको पढ़ाऊंगी राष्ट्रीय ध्वज। ये देख रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बना हुआ है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों का है, इसीलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। हमारे आप सब इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को। ये देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग हैं, इसीलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, ये देखिए सबसे ऊपर केसरिया रंग है। मध्य में सफ़ेद, ये देखिए मध्य में सफ़ेद रंग है। और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। ये देखिए, नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। ये देखिए, ध्वज की लंबाई है और ये ध्वज की चौड़ाई है, इसमें 3:2 का अनुपात होता है। यानी अगर लंबाई 3 इंच है तो चौड़ाई कितनी होगी, 2 इंच होगी। इस तरह से इसको जब हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो ये अनुपात रखना होता है। फिर देखिए, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। ये नीले रंग का चक्र है। इस चक्र में 24 कमानियाँ होती हैं। ये देखिए, इस चक्र में कितनी कमानियाँ हैं, ये 24 कमानियाँ हैं। और ये जो कमानियाँ होती हैं, ये प्रगति की सूचक होती हैं। और ये प्रगति माने उन्नति, उन्नति की सूचक होती हैं। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ा। इसमें सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। बीच में एक चक्र बना होता है नीले रंग का, और इसमें 24 कमानियाँ होती हैं जो उन्नति की, प्रगति की सूचक हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक। यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे प्रश्न उत्तर हैं और प्रश्न उत्तर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यह प्रतीक बच्चों कहाँ से ले लिया गया है, अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 और पीछे वाला दिख नहीं रहा है, तो 4 सिंह हैं। इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह पीछे होने के कारण सामने से दिखाई नहीं देता। इनके नीचे बीचों बीच में एक चक्र बनाया गया है। ये देखिए, ये एक चक्र बना हुआ है। इसके दाहिनी ओर वृषभ, इसके दाईं ओर ये देखिए वृषभ है, बैल है, और बाईं ओर घोड़ा अश्व है। ये देखिए, बाईं ओर ये घोड़ा है। आगे देखिए, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सबसे नीचे इसमें ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। आगे देखिए, अगला है राष्ट्रीय पशु वनराज व्याघ्र। इसको इंग्लिश में पैंथरा टाइग्रिस
कहते हैं। ये देखिए पैंथरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं बाघ का है और ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। ये अपने आकर्षक रंग, विचित्र आकृति, विचित्र माने अनोखी, आकृति माने आकार, शक्ति माने ताकत, तो ये अपने अनोखे आकार और ताकत के कारण आदर का पात्र रहा है। बाघ की 8 जातियां हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। अब इनकी संख्या 4500 से ऊपर है। तो ये है राष्ट्रीय पशु। ये देखिए इसका आकार और शक्ति अनोखी है और ये बाघ की 8 जातियां हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। अब इनकी संख्या बच्चों 4500 से ऊपर है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर पावो क्रिस्टेटस। इसको इंग्लिश में कहते हैं पावो क्रिस्टेटस। भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी है। ये विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। नर मोर, नर माने बतलो नर और मादा, स्त्रीलिंग और पुरलिंग होता है, नर पुरलिंग है और मादा स्त्रीलिंग है, तो नर मोर विशेष सुंदर होता है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे आकर्षक बना देते हैं। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव बना देते हैं। इसकी देखिए नीली ये गर्दन है और इसकी ये छाती, लंबी सी ये पूंछ है, यही पूंछ रंग बिरंगी, इसमें रंग बिरंगे पंख होते हैं। अब देखिए जिस समय नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा, नर का मैंने क्या बताया आपको, मादा नर पुरलिंग और मादा स्त्रीलिंग, तो जब नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने वर्षाकाल में नृत्य करता है, नृत्य मतलब नाचता है, तब यह दृश्य बड़ा मोहक होता है। तब आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आप कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, तो आप खेतों में या बड़े से मैदान में देखते हैं कि मोर नाच रहा है पंख फैला करके, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा वो दृश्य लगता है, कितना आकर्षक दृश्य होता है, मनमोहक लगता है। तो ये है राष्ट्रीय पक्षी मोर। अब देखिए बच्चों राष्ट्रगान, आप लोग सब परिचित हैं राष्ट्रगान से। सब जब प्रातःकाल प्रार्थना होती है तब सब बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगान की मुद्रा में खड़े होते हैं और सावधानी पूर्वक आप राष्ट्रगान को गाते हैं। देखिए जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था यह आपको जानकारी होनी चाहिए। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी धुन है। बच्चों आपने देखा होगा राष्ट्रगान कैसे गाते हैं, जब प्रधानाचार्य जी आपको राष्ट्रगान गवाते हैं गाने एक उनके साथ साथ, जब आप धुन मिलाकर गाते हैं तो कितना सुंदर लगता है और ये 52 सेकंड के अंदर गा लिया जाता है। इसकी अपनी निश्चित समय सीमा होती है। देखिए राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 52। अब देखिए बच्चों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली और स्वतंत्रता संग्राम कई दिनों तक चला, जिसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, कई नेताओं ने को अपनी बलि देनी पड़ी। तो उन दिनों में ये वंदे मातरम करके ये गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा तो हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखिए बच्चों इस बात को, इन चीज़ों को आपको याद भी करना है। ये जीके में भी हर समय ये आपको प्रश्न जो हैं आपके काम आएंगे आपके जीवन में, इसलिए इन चीज़ों को आपने लर्न करना है। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। आगे देखिए,